subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest up. जिहड़े हालातां च आपां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई गल दा मेरी दा गुस्सा ना कर जे, अंदरलियां रमजां तुसी भी पछाणदे हो, मैं भी पछाणदा कि किस तरीके दा जर्नलिस्टां ते सिंगरां ते न्यूज़ वैब चैनल्स ते प्रेशर बनाया जांदा है कि फलाने दी लाइव ना दिखाई। अनलानी एमरजेंसी जिन्हां ने इंदिरा गांधी बारे कल्ला सुनिया है, अज ओ देख सकदे है कि इंदिरा गांधी दा असल जिहड़ा दूजा रूप है वह भगवंत मान च देख सकदे। क्योंकि मैं गल तां कह रहा आ, पिछले दिन भी जो कुछ होया है उस नूं भावें साडी पार्टी ने कंडेम किया, मगर अज मैं वेख रहा सां किन्ने लोगों के अकाउंट बैन करते गए। कुछ सिंगर सन, बब्बू मान, जसबीर जस्सी, न्यूज़ चैनल दे कई सीगे, कोई इन्फ्लुएंसर सी मिंटू गुरसरिया, किसान एकता मोर्चा, ट्रैक्टर ट्विटर टू ट्रैक्टर, ट्रैक्टर टू ट्विटर, ये वो अकाउंट्स ने जिन्हां ने बड़ा किसानी वेले भी काम किया सी, और तुसी सारे असी उन्हां नूं फॉलो करते सां। कई रिपोर्टर ने भावें उन्होंने साडे खिलाफ भी बड़ा सख्त लिखिया, नहीं कि सानू कदे उन्होंने कोई चैरिटी की है। कमलदीप बराड़ साहब ने, गगनदीप ने जी ने एक वीडियो मैं लगता शायद तेरी है मेरा भीर यही है ना, उन्हें संघ ना की हो जाना, परचा हो जाना, कोई डरन की लोड़ नहीं मेरा भीर, पंजाब वेखदा। देखो यू विल गो डाउन इन द हिस्टरी कि केड़ा सरकार दे अगे खलोता सी ते केड़ा सरकार अगे झुकिया सी। नौ तो दोवां दे आउणे आ, मगर गिनती कल्ली पछाण उन्हां दी होणी जिहड़े अगे खलो गए सच वास्ते। संदीप सिंह इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, कल परसों की गल है, सुखनैब सिद्धू साहब उन्हां नूं फड़िया सी छड़ता, क्यों इन्हां एक हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? ये हालात सिर्फ इसलिए पैदा हो रहे हैं बिकॉज ये लोग सरकार नूं क्वेश्चन करते यार, चौथे थंब का काम की है, क्वेश्चन करना ही है। हाउ विल डेमोक्रेसी सर्वाइव, लोकतंत्र किवें बचूगा जे तुसी सवाल ही नहीं उठा सकते। अजीत अखबार उन्हां दे मतलब संपादक जिहड़े ने साडे हमदर्द साहब, पंजाबी ट्रिब्यून ते भी रहे आ लंबा समा, उन्हां ते की कुछ होया, ये कोई लुकी छिपी गल नहीं। और अज भी एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछ लिया मुख्यमंत्री साहब नूं लॉ एंड ऑर्डर दा, उहदे नाल जो कुछ होया, चलो आप ही अज नहीं हौसला करनगे, रब मेहर करिया ही सारे उन्हां नाल खलोते आ। जेल भरो अंदोलन करना पै, सारे भरांगे, घबराउण की लोड़ नहीं, मगर सच लई खलोना पैना। आई थिंक इट्स योर जॉब, इट्स योर ड्यूटी। और तुसीं क्वेश्चन अकाली दल नूं कीता, तुसीं क्वेश्चन कांग्रेस नूं कीता, मगर इह जिहे हालात नहीं कदे मैं समझदा पैदा होए जिहड़े हुण हो रहे आ। अफसोस की गल है, इट इज़ अ रिमाइंडर ऑफ दैट एमरजेंसी। और मैं आस करदा, उम्मीद करदा कि एमरजेंसी हटे, इसलिए मैं आपकी गल ये जरूरी तां समझी करनी, क्योंकि जो मैं हुण बोलन लग्या वह फिर एमरजेंसी लगनी, भावें चैनलों थ्रू लग जाए, भावें थ्रोडे थ्रू लग जाए। इसलिए जेड़ा तो पंजाब दे हित च हो, पंजाब दे हक च हो, मैं समझदा वह खबर लाऊ। देखो एक कट्टर इमानदार आपदे आप नूं घोण वाले कट्टर बेईमान है। और मैं एक बार ही नहीं, मैं थोनों पिछली बार ये गल सिद्ध की सी, जेड़ा वो केस होया सी राकेश चौधरी वाला, चांडक वाला, जेड़ा माफिया चलदा सी अपना रेते दा, सैंड माफिया दा। और इन्हां दे स्पोक्सपर्सन आए, बड़ा कुछ आया कि जी हाई कोर्ट दी स्टे, और मैं चैलेंज किया और अज तक मैनू जवाब नहीं दिता कि हाई कोर्ट दा स्टे कित्थे दिखा दिओ, तुहानू दिखा देण, मैनू तां की विखाउणा। अज तक हाई कोर्ट दा स्टे नहीं आया, और अज भी एज वी स्पीक टूडे
राकेश चौधरी नू हाई कोर्ट तो कोई प्रोटेक्शन नहीं, मगर ये उन्हें फड़दे नहीं है। आ तरीक उन्हें मार्च च लगी सी, अगली तरीक पै गई है, फिर ओदे च जाके जरा एफीडेविट कढ़े सरकार ने की दिता ओदे हक च। एक पासे दा राघव चड्ढा जिन्हू प्यार नाल आरसी कहिंदे आ, ये पता नहीं कहदी आरसी बनाउण लग पिया पंजाब च, करप्शन दी ठगी ठोरी दी, पंजाबियां दे खजाने दी लुट दी आरसी है। उन्हें जाके धरना दिता सी राकेश चौधरी के खिलाफ, जे तुसी भुल गए हो, और सरकार दा एफीडेविट ओदे हक च है हाई कोर्ट च कि जी आ कुछ पैसे भावे ने लुट तां 500 करोड़ दी कीती है, मगर जे 8 करोड़ जमा करा दे असी इहनू फिर कम दे देंगे। ये एफीडेविट बोलता स्टे कोई नहीं। इसे तरह अज मैं दूजे टॉपिक ते आ रहा, इन्हां दे मैं समझदा कि झूठ बोलण दा ठेका, कट्टर झूठे, कट्टर धोखेबाज, कट्टर बेईमान, कट्टर लफ्ज तां नहीं वरतना चाहिए, मैं मजबूरन वरतन लग्या, मैनू बड़िया ने कहा ना करी, मगर एक साडे ना माझे च कहिंदे आ यार लुचपो दी भी हद हुंदी, मतलब एडी इस किस्म दी। आ इन्हां दे मंत्री जी सी इक, मैं दो तीन वारी सुन लिया, मेरे तो फिर रहा नहीं गया कल दी अखबार तो बाद। मैनू पहला भी सीगा कि मैं थोड़े रूबरू होवां, फिर मैनू किसे सज्जन ने कहा यार उन्होंने चलाउणी चलूनी तां है नहीं, सरकार दा दबाव बड़ा रहिंदा तू रहण दे, मैं भी कहां मैं टाइम बर्बाद करांगे, हटदे ही नहीं यार। एक तो बाद फिर दूजे दिन दबावा, फिर तीजे दिन, हुण कल फिर की कहता हरपाल चीमा साहब ने, कहिंदा जी 41% जंप है एक्साइज रेवन्यू च। मैं ओपन चैलेंज दिंदा जी, ओपन चैलेंज, जेड़े मर्जी फोरम ते 41% दी रेवन्यू इनक्रीज नहीं है, फिगरां दी ठगी ठोरी है, और 200 करोड़ दी खजाने दी लुट जरूर है उहदे च। जे इस नूं मैं नहीं आ, मैं इन्हां ते कागज ही लैके आया, क्योंकि मैं तां जे सीधा बोलूं मजीठिए नूं की पता जी, मजीठिया फलाने नूं करदा सी, ढींगड़े नूं करदा, इन्हां कोल तां रटी रटाई लफ्ज ने मेरे वास्ते तां। आ इन्हां दी मैं कागज ही कढ के लियां, आ पढ़ के सुना दिंदा। मंत्री मंडल दी मीटिंग दा एजेंडा मध नंबर फलाना, मंत्री मंडल दी मीटिंग दी मिति पंजाब सरकार आबकारी ते कर विभाग, मंत्री मंडल लई मेमोरेंडम, आबकारी नीति 2023-24। मेरा कागज नहीं है भगवंत मान जी, थोनू तां नहीं समझ आउणी क्योंकि तुसीं तां इह थोड़ी नीति है। 8 PM दे बाद वारी जदों जिवें केजरीवाल साहब कहिंदे ने, देखो किड्डा वड्डा कुरबानी दित्ती जी, पैग लाउणा छड्डता, इह उहदी नीति है, निरी ठगी ठोरी दी नीति। और मैं हुण इह 'च इहचों ही साबित करूंगा एक एक पेज तो कि झूठ किहड़ा किहड़ा इन्हां ने बोलिया, और मोर कौन लाउंदा कि झूठ बोलिया कि लुट होई। मोर मैं नहीं, मोर ला रहे 3 मंत्री, हरपाल चीमा साहब आप, इन्हां दी इक बणी जी आबकारी नीति 23-24 दे खरड़े दी प्रवानगी संबंधी, आबकारी नीति 23-24 दे खरड़े दी दे नूं विचार करन हित अते इस उपरंत खरड़े नूं प्रवानगी देन लई मानयोग मुख्यमंत्री जी वल्लों ग्रुप आफ मिनिस्टर दा हेठ लिखे अनुसार गठन कीता गया। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੁੱਗੀ ਵੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤਾਉਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਲੁੱਟ ਹੋਈ। ਔਰ ਜੋ ਲੁੱਟ ਕਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਸਸੋਦੀਆ ਫੜ ਲਿਆ, ਔਰ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ। ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਹ ਮੰਤਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ 'ਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੇਅਰ ਵਿਦ ਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਰੀਜ ਇਨ ਰੈਵਨਿਊ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਰੀਜ ਇਨ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ 21-22 ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। 74 L1 ਸੀਗੇ ਜੀ, 74 ਔਰ 22 ਨੇਮ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਆਹ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਦਿਸ ਪੇਪਰ। ਆਹ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, 74 L1 ਆਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆਪ ਦੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨੋਪਲੀ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਮਨੋਪਲੀ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 7 ਹੋ ਗਏ, ਓਨਲੀ 7 L1s ਫਰੋਮ 74 ਰਿਡਿਊਸ ਟੂ 7। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਢੱਲ, ਕੀ ਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਛ, ਅਮਨਦੀਪ ਢੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ L1 ਉਹਨੂੰ? ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਜੀ ਅਨੰਤ ਵਾਈਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਅਮਨਦੀਪ ਢੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਸੋਦੀਆ ਕੇਸ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ? 50 ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਹ ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਵਾਈਨਜ਼ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋ L1 ਨੇ, ਦੋ 50% ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੇ 50% ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਂ ਨੇ 50%। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਇਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ L1 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਓ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ।